स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धस्वाः स्वस्ति न पूषाः विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षरिष्टदेवैः स्वस्ति नो वीरभद्रददातु ॐ वायः पृथिव्यां पयोषधीषु पयोधिव्यन्तरिक्षे पयो हे हा देखत जगत निसाचर धावे करहि उपद्रव मुनि दुख पावहि हे हा शुभाहु हा भैया महाराज लंकेश ने जो आज्ञा दिए हैं कि जहां तक हमारी सीमा है ऋषि मुनि कोई यज्ञ नहीं कर सकता क्यों नहीं लेकिन महामुनि विश्वामित्र बार बार हम निषाचरों का अंत करने के लिए यज्ञ अनुष्ठान करता है इसका यज्ञ भंग किया जाए ठहरो जलो मारी जान सुबह हुक्म चलता है इसीलिए कोई मुनि महात्मा बिना पूछे हुए जब जब पूजा पाठ किया तो आपके हवन कुंड में रुधिर और हड्डी की वर्षा होगी मेरे निषाचरों जी महाराज चारों तरफ नजर फिराए रखो जहाँ तक हमारी सीमा है कोई ऋषि मुनि महात्मा यज्ञ हो जब तक न कर सके नहीं करने देंगे नहीं होने देंगे मुनियों की शक्ति यही यज्ञ है यज्ञ को विध्वंस कर डालो क्यों नहीं चलो गाधे तनय मन चिंता व्यापे हरि बिनु मरहि निश्चर पापे ये क्या मैं जब जब भी यज्ञ प्रारंभ करता हूँ तो ये राक्षसों के समूह यहाँ पे आकर के हमारे यज्ञ को विध्वंस कर डालते हैं कृपा सिंह कृपा करो दया सिंह दया करो सहारे आपके जो हैं उन्हीं पे आज संकट है बने सब यज्ञ मंडप इन दिन मुनियों के मरघट है न ठिकाना आपका इस भारत में मिलता है अचम्मा है कि फिर भी आपका आसन नहीं मिलता है जगत के आपके जननित आपति सहते हैं जुबाने खींच ली जाती अगर कुछ मुंह से कहते हैं कुल्हारे सर पे चलते हैं छुरी गर्दन पे चलती है जहाँ पर दूध बहते थे वहाँ अब रक्त बहते हैं हे प्रभु अवतार लो ध्यान लगा करके देखना चाहिए कि इस पृथ्वी का भार हरण करने के लिए नारायण पृथ्वी पर अवतार लिए या नहीं ओम हे महामुनि विश्वामित्र जी आप छिन्ह त्राय त्राय की आवाज लगा रहे उनका अवतार अयोध्यापति महाराज दशरथ के गृह अंशों समेत हो चुका है आप राम और लक्ष्मण को मांग कर ले आवे उन्हीं के द्वारा आपका यज्ञ पूर्ण हो पाएगा हे मुनि वृंद समाज सुनो प्रकटे मही भार उतारन हारा पूरन ब्रह्म अखंड जय जिनके जस वेद पुराण पुकारा भक्त बसी बस नायक तो रघुवंश में जाय लियो अवतारा लियो बेग बुलाए तिन्हें करिहे कुल निश्चर के संघारा जब ले भृगुनाथ रहे भेग आश्रम निर्भय यज्ञ करे मुनि झारी त्याग गयो जब से वह ठोर निसाचर घोर मचावत रारी अरे जब जोग पूजा सब नष्ट करे
अब राजन है न कोई हितकारी, अरे मोहि अनाथ सनाथ करो नरनाथ हरो मम संकट भारी। हे राजन मैं तुम्हारे पास बड़े आशा और उम्मीद लेकर के आया हूँ। अगर आप आशा लेकर के आए हैं तो मैं आपको सब कुछ दे सकता हूँ। अरे धन दई हो, धाम दई हो, धन पर के श्याम दई हो, परंतु सब कुछ दई हो परंतु ना दई हो राम को। अरे काल तू अच्छी नहीं, जा राम थे सीता, जा दे राम लक्ष्मण को ज्यादा साप जवाब। अरे मुझको नहीं कछु काज राज, जो बात बनावत अरे तेरे कहो नहीं तेरे दाग लगावत। भयो भूपा जान मोय को तुम नहीं जानत, अरे पूछो कुछ कुर्ते बन से खाली विधियो मोय जानत। हम लइयो लक्ष्मण राम को ज्यादा न कर प्रलाप, अरे छोड़ दई हो राम को तो मैं दई हो राम। चला दो परंतु मैं राम लक्ष्मण को मैं कदा नहीं दे सकता हूँ। नहीं दोगे, नहीं दोगे राम लक्ष्मण, तुम नहीं दोगे। शांत ऋषिराज शांत, ऐसे क्रोध में आना आपको शोभा नहीं देता। अरे क्रोध में कैसे नहीं आवे, जब मैं याचना किया तो ये स्त्रियों की भांति रोना करने लगा। ऋषिराज आप तो अच्छी तरह से जानते हैं कि महाराज दशरथ को चौथे पन में पुत्र प्राप्त हुआ है और बड़ी प्रतीक्षा के बाद पुत्र प्राप्त हुआ और आज ही मैं उन्हें गुरुकुल से महाराज दशरथ को सौंपने लाया हूं। कई वर्ष के बाद शिक्षा प्राप्त कर राम लक्ष्मण चारों भाई अपने महल आए हैं तो ऐसे समय में आप मांगने आए हैं। बुढ़ापे में पुत्र हुआ है तो उसे त्यागते हुए तो मन में दुख होगा ही। आप तो ज्ञानी हैं, एक राजा की नहीं एक पिता की व्यवस्था तो समझिए। आप याचना करने आए हैं, एक रघुवंशी के द्वार पर आए हैं तो आपकी याचना पूरी होगी। आपको यहां से निराश नहीं लौटाया जाएगा। आप शांत हो जाए। आपने महाराज से मानो उसका प्राण मांग लिया है तो किसी से उसका प्राण मांग लोगे तो क्या वो सहज ही प्राण दे देगा? आप शांत रहिए, मैं महाराज को समझा देता हूं। आपके साथ राम लक्ष्मण जाएंगे, आपका यज्ञ पूरा होगा, विश्व कल्याण की कामना जो आपने की है उसमें कोई बाधा नहीं होगी। आप आसन ग्रहण करें। वशिष्ठ अच्छी तरह से समझा दो, यदि राम लक्ष्मण को नहीं दिया तो मैं इसी समय जला करके राख कर दूंगा। इसकी आवश्यकता नहीं होगी, आप आसन ग्रहण करें। ठीक है, तुम्हारे कहने से मैं बैठ रहा हूँ। राजा ये कैसी नादानी है, आप महामुनि विश्वामित्र के तेज को प्रताप को अच्छी तरह से जानते हैं, उनका क्रोध सारा संसार जानता है और आप हैं कि उन्हें मना कर रहे, अपने कुल की परंपरा को तोड़ रहे हैं। आप चिंता ना करें, राम लक्ष्मण के प्रति जो आपके मन में भय उत्पन्न हो गया है उस भय को निकाल दें, क्योंकि राम के तेज को आप नहीं जानते। मैं जानता हूं कि राम कौन है और उनके लिए थोड़े से निशाचर क्या हैं। पृथ्वी के सारे निशाचर एक साथ आ जाएं तो भी राम अकेला ही सब पर भारी पड़ेगा। आप चिंता को त्याग दें और राम लक्ष्मण को इनके साथ भेजने में तनिक भी विलंब न करें, क्योंकि ये ऐसे महान संत हैं, ऐसे ज्ञानी और विज्ञानी हैं जिनके पास अनेकों प्रकार के अस्त्र शस्त्र हैं। इनके पास जितने अस्त्र शस्त्र का भंडार है एक साथ उतने दिव्य अस्त्र तीनों लोक में किसी के पास नहीं है। अब जरा विचार कीजिए कि ऐसे महान संत के साथ यदि राम जाएंगे तो मैंने जो शिक्षा दी है वो तो पूरी शिक्षा दी है, लेकिन जो कुछ अधूरी रह गई
वो शिक्षा ऋषि विश्वामित्र जी पूर्ण कर देंगे और उनकी कृपा यदि राम के ऊपर हो गई तो आपके रघुवंश का डंका बक्सर तक बजेगा। राजन, ये ऐसे महात्मा हैं, यदि शस्त्र धारण कर ले तो पृथ्वी के सारे निशाचरों को मार डाले, इतना सामर्थ्य इनमें है। क्योंकि एक बार ब्रह्मा से कुपित होकर इन्होंने दूसरी सृष्टि का निर्माण किया था, अंतरिक्ष में दूसरे स्वर्ग का निर्माण कर दिया था इन्होंने, और वो किसी और के लिए नहीं, आपके पूर्वज त्रिशंकु के लिए। परंतु ऐसे ही छोटी सी नादानी कर दी जिसके कारण वो स्वर्ग से नीचे गिराए गए और आज भी इन्हीं के प्रताप से आपके वंशज त्रिशंकु आकाश में उल्टा लटक रहे हैं। तो इनके प्रभाव को जाने, राम को भेजने में मुझे तो कोई कठिनाई नहीं दिखाई दे रही है, कोई हानि नहीं दिखाई दे रही है, लाभ ही लाभ दिखाई दे रहा है। जब सारे अस्त्र शस्त्र राम के पास होंगे, महामुनि के दिव्य अस्त्रों पर राम का अधिकार होगा, तो क्या निशाचर उनके सामने ठहर पाएंगे? इसलिए राजन, राम को भेज दें। यश हाँक कर महामुनि विश्वामित्र जी आपके पास लाए हैं, आपके पुत्रों को देने लाए हैं। अरे, उनकी अपनी कोई पहचान नहीं है, आपके नाम से राम को सभी जानते हैं। क्या आप नहीं चाहते कि आपके पुत्रों की अपनी पहचान हो? हर पिता चाहता है कि उसके पुत्र के नाम से उसे जाना जाए, उसका पुत्र उससे भी बड़ा हो, ये हर पिता की इच्छा होती है। और आज राम बड़ा बनने के कगार पर खड़ा है, उनके सामने ये अवसर है कि वो अपनी कीर्ति को, अपने यश को तीनों लोकों में उज्जवल कर सके। तो ऐसे समय में आप ममता मोह दिखाकर अपने पुत्र के पैरों में बेड़ियां डाल रहे हैं, ये पिता का कर्तव्य नहीं। अरे, पिता स्वार्थी नहीं होता, पुत्र से प्रेम करना अच्छी बात है, लेकिन प्रेम तब तक अपने साथ दूसरों का कल्याण कर सकता है जब तक कि वो निस्वार्थ हो, और यदि वो स्वार्थ का रूप ले ले तो अपने साथ साथ सारे संसार का विनाश करा सकता है। इसलिए राम के प्रेम में पढ़कर, उनके स्नेह में पढ़कर अपना धर्म ना भूले। क्षत्रिय का धर्म है कि धरती पर जहां भी अनाचार हो रहा है उस अनाचार का दमन करें, और ये भी आपके राज्य की सीमा में रहते हैं तो ये भी आपकी एक प्रकार से प्रजा हो, तो प्रजा की सुरक्षा करना राजा का दायित्व होता है, अपने दायित्व का निर्वहन करें और राम को इनके साथ भेज दे। मेरा आशीर्वाद है कि राम का बाल बाका नहीं होगा और वो विजय प्राप्त करके आएंगे, आपके कुल का यश कीर्ति जगमगाते हुए निश्चरों का बद्ध कर ऋषि विश्वामित्र का यज्ञ पूर्ण करने के बाद लौट कर आएंगे। इसलिए राम को इनके साथ भेज दिए। आपकी जय श्री गुरुदेव।